गरीब वर्सेस अमीर का मेहंदी टैटू। एक बार की बात है, एक गांव में केवट कहकर एक गरीब आदमी रहा करता था। वहीं एक अमीर सेठ भी होता है। एक दिन अमीर सेठ के घर में उसकी बेटी का जन्मदिन होता है। जहां गांव के सारे बच्चे आए हुए होते हैं, वहीं केवट की बेटी चुनिया भी गई हुई थी। अरे सोनी, ये तुम्हारे हाथ पर ये रंग बिरंगे फूल किसने बनाए? ये तो काफी सुंदर है। हाँ, आज मेरा बर्थडे है ना, इसीलिए पापा ने टैटू वाले को घर बुलाया है। देखो, सभी बच्चे कुछ ना कुछ बनवा रहे हैं अपने हाथों पर। फिर तो मैं भी अपने जन्मदिन पर ऐसा ही टैटू बनवाऊंगी। तू तो गरीब है, तू कहाँ से बनवाएगी? तभी सोनी की माँ वहाँ आ जाती है। बेटी सोनी, ऐसे बात करते हैं क्या अपने दोस्तों से? बेटी चुनिया, जाओ तुम भी टैटू बनवा लो। देखो तुम्हारे नन्हे नन्हे हाथों पर कितना सुंदर दिखेगा रंग बिरंगा टैटू। हाँ हाँ आंटी जी, मैं तो ढेर सारे टैटू बनवाऊंगी, ये बहुत सुंदर है। फिर चुनिया टैटू निकालने वाले आदमी के पास जाती है, जहाँ पहले से ही बच्चों की भीड़ लगी होती है। अंकल अंकल, मेरे हाथ पर ना स्पाइडरमैन बनाना, और मेरे हाथ पर तो शिजुका, मुझे शिजुका बहुत पसंद है। अरे मुझे भी टैटू बनवाना है, मेरे हाथ पर ना तितली, मोर और स्टार, हाँ ये सारी चीजें बना दीजिए ना भैया। फिर टैटू वाला चुनिया के हाथ पर ढेर सारे टैटू निकाल देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद घर चली आती है। मामा देखो, मेरे हाथ पर कितने सारे टैटू हैं, ये तो आपकी बनाई हुई मेहंदी से भी अच्छा है। पापा, अगले हफ्ते मेरा भी बर्थडे आ रहा है, आप ना मेरे बर्थडे पर भी वो टैटू वाला बुलाओ ना, जो सोनी के बर्थडे पर आया था। लेकिन बेटी, हमारे पास तो उतने पैसे नहीं हैं। आप गंदे हो, बहुत गंदे, ऐसे कौन करता है? आप मेरे बर्थडे पर टैटू वाला बुलाओगे बस, मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा बेटी, पहले तू रोना तो बंद कर, हम देखते हैं जो हम कर सकते हैं हम करेंगे। माँ की बात सुनकर चुनिया को लगता है कि माँ टैटू वाला बुलाएगी, और वो इस गलत फहमी में अपने सारे दोस्तों को कह देती है कि उसके बर्थडे पर भी टैटू वाला आएगा। हा, तू गरीब है गरीब, और गरीबों के यहाँ इतने महंगे टैटू वाले नहीं आते हैं। तो कल तुम देख लेना, मेरे घर भी टैटू वाला आएगा, और तुम्हारे हाथ पर मैं सबसे सुंदर टैटू बनवाऊंगी। ठीक है, देखते हैं। फिर चुनिया वहाँ से चली जाती है। मामा कहाँ हो? आपने टैटू वाले को कल आने को कह दिया है ना? देखो मैंने अपने सारे दोस्तों को कह दिया है, सोनी ने तो मेरा खूब मजाक बनाया है। अब आप साबित कर दो कि हम किसी से कम नहीं। चुनिया की टैटू की जिद के कारण माँ सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे। बेटी तुझे तो पता है कि मैं मेहंदी अच्छी लगा लेती हूँ, तो मैं मेहंदी ही लगा दूंगी ना, अब इतना महंगा टैटू वाला कहाँ से लाऊं? तभी सीता की बात सुनकर केवट को एक आइडिया आता है। अरे सीता, हम तो भूल ही गए कि तुम मेहंदी अच्छी लगा लेती हो, एक काम करते हैं ना, तुम मेहंदी छाप टैटू निकालना कल बच्चों को, वो सभी रंग बिरंगी मेहंदी छाप टैटू देख कर खुश हो जाएंगे और मुनिया की जिद भी पूरी हो जाएगी। हाँ जी, ये आइडिया बढ़िया है, मैं अभी ही मेहंदी भिगो देती हूँ। फिर अगले दिन चुनिया के बर्थडे पर उसके सभी दोस्त आते हैं, जिनके हाथों पर सीता खूब तरह तरह की मेहंदी डिजाइन में रंग बिरंगे टैटू निकालती है, जो कि सभी बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, और खास करके तो सोनी को। अरे चुनिया, तूने सच कहा था, ये मेहंदी टैटू तो मेरे यहाँ वाले टैटू आर्टिस्ट से भी बहुत अच्छा है, देख कितना सुंदर मेहंदी टैटू है मेरा। फिर सभी बच्चे धूमधाम से चुनिया की बर्थडे पार्टी एंजॉय करते हैं,
वहीं सीता द्वारा बनाए गए मेहंदी टैटू भी गांव की औरतों और लड़कियों को काफी पसंद आते हैं, जिस कारण अब औरतों को जब भी मेहंदी लगाने का मन होता तो वो सीता से मेहंदी टैटू बनवा लेती और इसी बहाने सीता भी अच्छी कमाई करने लगती है। गरीब चिकन बिरयानी वाले की मजबूरी। उधमपुर गांव में मोनी और राजीव कह करके एक गरीब जोड़ा रहा करता था। वो छोटा मोटा काम करके अपना जीवन बसर कर रहा होता है, लेकिन उससे उन्हें काफी कम पैसे मिलते, जिससे उन्हें जीवन निर्वाह करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिस कारण वो कुछ पैसे इकट्ठे करके गांव में फूड स्टॉल लगाते हैं। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म पराठा, सब्जी, पूरी, पुलाव, जो मन हो खाओ, आओ भाई आओ। लेकिन ये क्या, लोग राजीव की आवाज सुनकर फूड स्टॉल के सामने तो आते, लेकिन कोई खाने नहीं आता और स्टॉल देखकर वहां से अगल बगल वाले नॉन वेज स्टॉल पर चले जाते। भाग्यवान, हफ्ता बीत रहा है हमें यहाँ स्टॉल लगाए, लेकिन अब तक एक भी ग्राहक नहीं आया, बड़ी हैरानी की बात है। आश्चर्य तो मुझे भी हो रहा है जी, ऊपर से पैसे बर्बाद हो रहे हैं सो अलग, ऐसे ही रहा तो हम खाएंगे क्या, इतना लॉस हो रहा है। दादा, चिकन करी और दो नान पैक कर दो। भाई, यहाँ तो आपको सोयाबीन करी और चपाती मिल सकती है। सोयाबीन और चपाती, इसमें हंसने की क्या बात है? हंसू नहीं तो क्या करूं, जमाना हो गया है वेज खाना देखे। बड़े अजीब इंसान हो यार, वेज खाए जमाना हो गया तो खाते क्या हो? मांस, मछली, मुर्गा। जी, ये सब खाते हो? राम 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 राम, पाप लगेगा। अरे ऐसे कह रहे हो जैसे तुम लोग तो बहुत बड़े सदगुरु साहू महाराज हो। क्या तुम गांव में नए आए हो? हाँ, बस कुछ ही महीने हुए हैं आए। अच्छा, तो मतलब तुम्हें मालूम नहीं कि इस गांव में नॉन वेज के सिवा लोग कुछ भी नहीं खाते? भाई एक बात सुन लो, तुम्हारा बनाया हुआ ये घास फूस यहाँ कोई नहीं खाएगा, सब मांस के भूखे हैं यहाँ। बना पाओ तो ठीक, वरना ये काम छोड़ ही दो। नहीं नहीं भाई, शुक्रिया, हम ऐसे ही ठीक हैं। तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मैं चलता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उनके दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता, जिससे वो परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा ये धंधा चलने से रहा, इससे अच्छा तो कोई और काम कर ले। सोचेंगे इस बारे में। ऐसे ही एक दिन मोनी की पड़ोसन पम्मी कटोरे में चिकन बिरयानी लेकर आती है। अरे ओ परजाई जी, ये लो, सानू त्वाडे खातिर चिकन बिरयानी लाई सी। माफ करना पम्मी जी, मैं ये नहीं ले सकती। क्यों जी, तनु मालूम है ना, पंजाबियों के हाथों के चिकन दा स्वाद ही गजब होंदा है, तुसी टेस्टा करो। अरे ना जी ना, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली हम शाकाहारी हैं। क्या तुसी वेजिटेरियन हो? परजाई जी, ये तो वही बात हुई, कुत्ते के सामने हड्डी डालो और वो रोटी के पीछे भागे। वैसे एक बात बता दूं, नॉन वेज खाने की आदत डाल लो जी, यहाँ वेज वाले सरवाइव ना कर पाएंगे। अच्छा, सानू देर हो रही सी, सत श्री अकाल। ये पम्मी जी यहाँ क्या करने आई थी? फिर मोनी राजीव को सारी बात बताती है। कह तो मुझे भी सब यही रहे हैं, लेकिन हम अपना धर्म नहीं भ्रष्ट कर सकते भाग्यवान। तभी मोनी एक गहरी सोच में डूबी हुई होती है। अरे मैं तुम्ही से कह रहा हूँ, क्या सोच रही हो? ए जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम सोयाबीन में फूड कलर डालकर सोयाबीन पुलाव को चिकन बिरयानी कह करके बेचे तो कैसा रहेगा? अरे पागल हो गई है क्या, पकड़े गए तो बहुत पिटेंगे, वैसे भी लोग यहाँ नॉन वेज के भूखे हैं। आप देखते जाओ मैं क्या करती हूँ।
और उसे एक कटोरे में भरकर घर के बाहर जाने लगती है। कहाँ जा रही हो? पम्मी के घर से आई। फिर मोनी सोयाबीन बिरयानी को चिकन बिरयानी कहकर पम्मी को खिला देती है और पम्मी को वो काफी पसंद आता है। अरे वापस जाई जी, तुसी दिल खुश कर दिता। अच्छा किया तेनु साड़ी बात मान कर। मांस मच्छी तो जीवन का आधार है जी, घास फूस में वो मजा कहाँ। हाँ ये तो है, अभी ही घास फूस हजम करके खाती है और कहती है घास फूस में मजा नहीं। फिर मोनी घर चली आती है और खुशी खुशी सारी बात अपने पति को बताती है और फिर दोनों मिलकर ढेर सारा सोयाबीन बिरयानी बनाते हैं और गांव के नुक्कड़ पर जाकर, आओ आओ जी गर्मा गर्म चिकन बिरयानी केवल 10 रुपए में, आओ और भर पेट खाओ। बस फिर क्या था, देखते ही देखते वहां लोगों की लाइन लग जाती है और लोगों को सोयाबीन बिरयानी काफी पसंद आती है, जिसे देखकर बिट्टू, बड़ी अजीब बात है, जो लोग नॉनवेज छूते तक नहीं थे आज वो नॉनवेज खा और खिला रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। फिर एक दिन चुपके से बिट्टू राजीव और मोनी के घर में जाकर देखता है जहां वो सोयाबीन चिकन बिरयानी बना रहे होते हैं। तो ऐसी बात है, अब देख बच्चू, तुझे तो मैं सबक सिखाता हूँ, गांव वालों को पागल बना रहा है। वहीं अगले दिन बिट्टू राजीव के स्टॉल पर जाकर, चलो बंद करो, बहुत हुआ तुम्हारा ये चिकन बिरयानी का ड्रामा। तभी राजीव और मोनी घबरा जाते हैं। क्या क्या ड्रामा, हम तो बस लोगों को खिला रहे हैं। अच्छा क्या खिला रहे हो, सोयाबीन? क्या कह रहे हो बिट्टू, ये हमें सोयाबीन खिला रहा है। हाँ हाँ गांव वालों ये सच है, ये देखो मेरे पास सबूत है। अरे इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि ये चिकन की जगह वेज बना रहा है। चलो गांव वालों मारो इन्हें, इन लोगों ने नॉन वेज के नाम पर वेज खिला के हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तभी सभी गांव वाले मिलकर मोनी और राजीव को मारने लगते हैं। तभी पम्मी वहां आ जाती है। टैरो जी क्या हो रहा है ये सब? अरे पम्मी जी आपको नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है? सानू सब पता है क्या हो रहा है और क्या नहीं, और जो तुम लोग इन दोनों को बोल रहे हो, क्या गलत किया इन लोगों ने, सोयाबीन को चिकन के नाम पर बेचा, ये गलत किया, और हम जो बेवकूफ बनकर सोयाबीन को बड़े चाव से खा रहे थे तब नहीं, अरे उन्होंने हेल्दी फूड खिलाकर हमें स्वस्थ बनाए रखने का काम किया है, और रोजाना सैकड़ों जानवर मार के खाने से तो यही अच्छा है ना कि सानू वेज भी खाना चाहिए। पम्मी की बातें सुनकर गांव के सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है। हमें माफ कर दो राजीव और मोनी, हमने तुम पे हाथ उठाया और बहुत बुरा किया। इसके बाद राजीव और मोनी बिना कोई झूठ बोले सोयाबीन बिरयानी को उसके असली स्वरूप में ही बेचने लगते हैं और लोग बहुत चाव से उसे खाते। इसी तरह राजीव और मोनी की बिरयानी बेचकर अच्छी कमाई होने लगती है और वो चैन से रहने लगते हैं। ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, और हमारी आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।